ये मैं आ गया हूँ इंदिरा गांधी मार्केट। ये जो है सामने इंदिरा गांधी मार्केट है, इसको हम शाम को एक्सप्लोर करेंगे जब ऊपर से मंडी से मंडी बोल रहा हूँ, जब हम मंदिर जाके नीचे आ जाएंगे तो। और मंदिर जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, इंदिरा गांधी का जो मार्केट है इसके बाजू में ही है। और यहाँ पे जो क्लास दिया IBT करके, दिखाता हूँ आगे चल के, यहाँ से कहीं से ट्रेल गया हुआ है मुझे पता नहीं है, पूछेंगे लोगों से पूछ के ऊपर जाना है मुझे। तो ये है IBT क्लास और यहाँ पे ओप्पो और जियोनी का बोर्ड लगा हुआ है और साइड से यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है जाने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है यार, पता नहीं कब जाएगी बारिश अभी, और ये 4 दिन बारिश है। और ये यहाँ से जा रहा है रास्ता, मंदिर चले जाएगा रास्ता, ये मंदिर तो भाई सही रास्ता पकड़े हम लोग, यही रास्ता जाएगा मंदिर। सीढ़ियाँ बहुत आरामदायक बने हुए, बहुत फास्ट फास्ट चढ़ा जा रहा है। 2-4 मिनट ट्रैक करने के बाद एक मंदिर आता है तारना देवी जाते समय, और ये वो मंदिर है जो कि नीचे से भी हमें दिखता है। और आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से, हो पूरे बादल धुंध हो गए यहाँ से। और हमने वहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया था, वो वहाँ पे जो है वो है इंदिरा मार्केट। ओहो सोचो जब यहाँ से इतना अच्छा व्यू मिल रहा है तो ऊपर जाने के बाद क्या व्यू मिलेंगे। चलते हैं फटाफट ऊपर। और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि सीढ़ी बहुत अच्छे नहीं है, स्टार्टिंग में खाली 2-4 सीढ़ी अच्छे हैं, बाकी यहाँ पर हालत ख़राब हो जा रहा है चढ़ने उतरने में। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं इनका रोज़ का चढ़ने उतरने काम है, जैसे ये देख लो इनको रोज का इनका चढ़ना उतरना। सर जी तारना देवी ये वाला जाएगा, ये वाला तारना देवी, ये वाला। अच्छा तो ये मंदिर के बाद से यहाँ पे दो रास्ते आ जाते, एक ये वाले और एक ये वाले। अच्छा हाँ ठीक है हाँ समझ गया हाँ ठीक है अच्छा ठीक है। तो ये मुझे समझा रहे थे यहाँ से कि जो ऐसा रास्ता बना रहेगा उसी रास्ते से जाना तो आप ठीक ठाक पहुँच जाओगे ऊपर। चढ़ा हुआ ज़्यादा यार, मुझे लगा कि 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे तो थोड़ा कम चढ़ा हुआ रहेगा या फिर थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ बने हुए जैसे हम मुंबई में जाते हैं ना जीवदानी माता, उस टाइप का कुछ ये सीढ़ी बने हुए। फाइनली मैं पहुंच गया तारना देवी टेम्पल, जिसे कि माता श्यामा काली के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था 1:20 पे और अब भी बज रहा है 1:40, मतलब टोटल मेरे को यहाँ पे आने के लिए 20 मिनट लग गए। बहुत रुक के आए तो 20 मिनट, अगर आप जल्दी जल्दी आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से 15 मिनट पर आप आ जाएंगे। और कुछ ऐसा है, ओह बारिश हो रहा है यार बहुत। ये है तारना देवी टेम्पल, बहुत ही अच्छा बना है यार, व्यू यहाँ से मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बैरिकेड लगा के रखा गया हर जगह और छत का कुछ हिसाब नहीं है, यहाँ पे खड़े रहने के लिए कोई छत नहीं दिख रहा मुझे। ये दरवाजे के सामने सामने शेड दिख रहे, अच्छा यहाँ भी है, काफ़ी बड़ा है। बारिश आ रहा है, मेरे जूते भीग गए, कल मुझे निकलना है यहाँ से धर्मशाला के लिए, तो सोचा आज ही सब एक्सप्लोर कर लूँ, टाइम है नहीं मेरे पास। हाँ यहाँ पे है रुकने का जगह, कुछ ऐसा दिख रहा है। ओ यहाँ पे यार लोग रह भी रहे, घर भी बना हुआ है ऊपर तक, और जो घर बना हुआ है वो ऐसे वैसे घर नहीं, बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए। एक मिनट पहले मैं शेड में बैठ जाता हूँ जाके, फिर बात करता हूँ आपसे। तो नीचे वहाँ पे एक लड़का लड़की आए थे, फ्रेंड थे वो, तो फिर उनके पास छतरी थी, मैंने उनसे छतरी मांगी कि भाई दे दो थोड़ा, तो उन्होंने दे दिया। और भाई यहाँ पे ऊपर आओगे, थोड़ा और ऊपर आओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा गार्डन टाइप बना के रखा हुआ है। और आप बोल सकते हो कि मैं इस वक्त पूरी तरह से फॉग्ड हूँ, लेकिन जो मुझे व्यू चाहिए था
को व्यू मुझे नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, खा रहे, मस्ती कर रहे। और मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ फॉग में, लेकिन जो मुझे व्यू चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। यहाँ से ये हल्का बहुत नज़ारा दिख जा रहा है, लेकिन मुझे पूरी तरह से फॉग फॉग दिखना है। तो पुलिस लोग का घर था वहाँ पे ऊपर, मैं वहाँ पे एक फ़ोटो लेने गया था धुंध का, तो वहाँ पे सर जी ने बोला कि अभी गाड़ी नीचे जा रही है उससे चले जाओ, तो अभी गाड़ी से जा रहे हैं हम। सर जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम लाल सिंह। लाल, इधर गए आप लोग? तो हम नीचे आ गए, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त इंदिरा मार्केट में। ये इंदिरा मार्केट है, खाली दिख रहा है ना? खाली नहीं है इसका मार्केट, अंडरग्राउंड मार्केट बनाया गया है, बहुत ही शानदार मार्केट बनाया गया। मैंने देखा था यूट्यूब पे देखा था, बहुत ही शानदार था। और यहाँ से नीचे जाना पड़ता है पहले। ये देखो भाई, व्यू यहाँ से दिखना चालू हो गया। ये साइड से घूमते, तो ऐसा कुछ नज़ारा है मंडी का, इंदिरा मार्केट का। यहाँ पे आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगे, बैग्स मिल रहे, किताब भी मिल जाएंगे, और जो भी चीज़ें मतलब मोबाइल सोबाइल सबके दुकान दिख रहे हैं यहाँ पे। और एक बार बीच का देख लो आप नज़ारा। और ये मंडी बता दूँ तो मेरे ख्याल से 24 की 27 साल पुरानी मंडी है ये। अरे मंडी बोल रहा हूँ, मार्केट है। और इसको नया रूप दिया गया 2019 में आई थिंक, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार। और भी आगे, इसको पहले 1993 में इस मार्केट को स्टार्ट किया गया था। और इस मार्केट को स्टार्ट करने का मुख्य कारण है ये जो घंटा घर है, बहुत ही पुराना, अभी उसकी घड़ी जो है वो काम नहीं करती है, रुकी हुई है। वैसे समय हो रहा है 2:40, तब से ये जब मंडी स्टार्ट हुआ तो फिर लोग यहाँ पे आके अपना व्यापार करने लगे, तो ये मंडी मार्केट बहुत फेमस हो गया। बार बार मंडी मुँह से आ रहा है, क्योंकि मार्केट को मंडी भी बोला जाता है। ये देखो भाई, कुछ ऐसे दुकान है, और खाने के भी दुकान है। देखता हूँ मैं भी कुछ खाने का सीन करता हूँ। और ये मेरा आज का लास्ट ये होगा, मतलब इस आज के दिन यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद कल मैं सीधा निकलूँगा यहाँ से धर्मशाला के लिए। तिब्बतियन रेफ्यूजी मार्केट है, और थोड़ा यहाँ से वहाँ तक खाली पड़ा हुआ, नहीं तो आगे तक है। पता नहीं यहाँ पे धंधा क्यों नहीं लगाए लोगों ने, लेकिन इस मार्केट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैग बिक रहे और कपड़े बिक रहे बस। ये देखो, तिब्बत से सर जी आप? तिब्बत से नहीं, यहीं से ही है। यहीं से तिब्बत से मेरा जो यहाँ के है ना, हाँ तिब्बत के यहाँ के मेरे मालिक है। मालिक? अच्छा, हम तो यही। बाकी बाहर के लोग यहाँ पे दुकान नहीं डाल सकते ना, तिब्बत के अलावा नहीं, डाल नहीं, सकते? बाकी नहीं लगा सकते। नहीं, वहाँ लगा सकते, वहाँ लगा सकते हैं साइड। चलो, होता है यहाँ पे धंधा कुछ? धंधा तो ऐसे ही है, ऐसे ऐसे बारिश में तो कहाँ होगा, बाकी होता है थोड़ा बहुत तो हो जाता है। चलो अच्छा है, फिर तो आप काम करते हैं यहाँ पे उनके पास। तो ये यहाँ के लोकल बंदे थे, लेकिन ये जो तिब्बतियन मार्केट है, यहाँ पे सिर्फ तिब्बत वाले लोग ही दुकान डाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जैसे ये देखो, ये तिब्बत वाले लोग हैं। कुछ नहीं, बस 7-8 दुकानें हैं, बाकी भी है लेकिन वो बंद पड़े हुए, पता नहीं क्यों। देख सकते हो आप, कपड़े, बैग, मास्क, यही सब मिल रहे बस, बाकी कुछ नहीं। सर जी कहाँ, तिब्बत से आप? तिब्बत से है क्या आप? नहीं, मैं लोकल हूँ। लोकल? तो यहाँ पे कैसे तिब्बत मार्केट में? मैं सेलमैन का काम। हाँ,
काम करता हूँ। अच्छा कोई बात, तो भाई भी यहाँ पे काम करते हैं, तिब्बतियन इनका बॉस हो गया यहाँ पे और लोकल लोग यहाँ पे काम करना चालू कर दिए, होता है कोई नहीं। और ये है, एक मिनट रुक जाओ दिखाता तुमको, ये है वो ग्राउंड जहाँ पे मैंने टेंट लगाया था। इसका मुख्य दरवाज़ा आगे से बड़ा दरवाज़ा, और इसी ग्राउंड में मैंने टेंट लगाया था। इस ग्राउंड का नाम है पैडल पैडल रोड और पैडल ग्राउंड नाम है इस जगह का। और ये सब दुकानें यहाँ पे रोड साइड में, ये लोकल लोकल दुकानें हैं यहाँ पे। यहाँ पे यार ज़्यादातर आपको नूडल्स ही मिल जाएंगे खाने के लिए, जो कि मुझे पसंद नहीं है उतने, तो मैं नूडल्स खाया भी नहीं एक बार भी लेके। सुबह भी उसने बोला था कि मैं 7:30-8 बजे बना के दूंगा, लेकिन हम जल्दी वहाँ से निकल के उनके साथ में अब हम जा रहे हैं यहाँ से बस का पता करने कि बस कितने बजे यहाँ से धर्मशाला के लिए जाती है। आई थिंक बस कहाँ मिलेगी, बस में मुझे इधर ही उतारा था। और भाई जी बस स्टैंड कहाँ पे? आगे सामने बस स्टैंड, थोड़ा आगे है बस स्टैंड, ये सामने, ये यहाँ का बस स्टैंड। ये जो मंडी पड़ता है ये प्लेन जगह है, पहाड़ी पे नहीं है उतना, प्लेन टाइप है, और रोड भी यहाँ से चौड़े हो जाते हैं। धर्मशाला तक ऐसे ही रहेंगे, रोड चौड़े रहेंगे। बाकी जो शिमला में था वहाँ पे भाई पहाड़ वाले रोड। चलो पता करते बंदे क्या मैडम, ये धर्मशाला के लिए बस कभी मिल जाएगी कल के लिए? सुबह 6:30 बजे धर्म, सुबह के लिए कब मिलेगा? कल सुबह। हाँ और उसका फेयर कितना रहेगा? हाँ बाकी उसके बाद कोई है 7-8 बजे के बाद? 7 बजे भी ठीक है। तो यहाँ पे 300 के आसपास किराया पड़ेगा अपना धर्मशाला का, और एक बस से 5 बजे सुबह और एक बस से 7 बजे, लेकिन जो मेरा धर्मशाला है वो 7 बजे खुलता है, 5 बजे नहीं। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर आपको जल्दी जाना है तो मैं जल्दी भी खोल दूंगा, लेकिन बताना पड़ता है उनको पहले कि मुझे 5 बजे जाना पड़ेगा। अब देखता घर पे आकर सोचता 5 बजे निकलूँ कि 7 बजे निकलूँ। और एक बात, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मंडी के ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, यहाँ का बजट कितना रहेगा और क्या। अभी तक मैं जब से अमृतसर से निकला वहाँ पे तो मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तक आते आते मेरा, मेरे ख्याल से अमृतसर से जब मैं निकल गया शिमला और मंडी के लिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा 1,500 के आसपास खर्च हो गया, क्योंकि यहाँ पर बस जो है वो थोड़े महंगे है। जो जो हिसाब से मैंने सोच के आया था वो हिसाब से यहाँ पर बस नहीं है, पर किलोमीटर 2 रुपये लगते बस के। बाकी ट्रिप अपना बजट में चल रहा है, उतना हाई फाई भी नहीं गया हूँ। अगर आपको चाहिए यहाँ का बजट प्लान तो मुझे ज़रूर बताना, मैं बता दूँगा आपको।